हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइज नो, जब भी आप लोग के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आते रहते हैं। और अभी आप सबको पता है गेट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी चल रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ने फिल कर दिया होगा। जिस स्टूडेंट ने फिल नहीं किया है वो लोग भी एज सुन एज पॉसिबल गेट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। जैसे गेट 25 का अनाउंसमेंट हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे जो PSU जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर लेने वाले होंगे वो भी अपना अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम लोग भी गेट 25 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर लेने वाले हैं, तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें। तो गाइज, ऐसे ही उन PSUs के पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आते हैं जब गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं, जो उनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब गेट का एग्जाम हो जाता है उसके बाद डिटेल आता है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स होती है। अभी अगर आप देखोगे शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको शुरुआत में मिलते हैं। तो गाइज, आज का जो रिक्रूटमेंट आया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंदर आया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहां पर अगर आप देखोगे रिक्रूटमेंट जो है वो हो रही है गेट 25 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर, तो यहां पे जो पोजीशंस रहेगी वो साइंटिस्ट बी की पोजीशन रहेगी। टोटल 28 साइंटिस्ट बी की वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। और यहां पर अगर आप देखोगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको गेट 25 के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जरूर भरना है, उसकी वेबसाइट भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। और यहां पर आपको फिल करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको एज सून एज पॉसिबल आप यहां पर फिल कर देंगे जब गेट का एग्जाम ओवर होगा। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी सेक्शन में आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की, वहां पर इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा वंस योर गेट एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर्ड। तो गाइज, यहां पे जो ब्रांच है जिनके लिए वैकेंसीज है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस TF, जो गेट 25 का एक पेपर है, तो यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सेकेंड पेपर की तौर पर इसको चूज कर रहे होंगे। तो यहां पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस जो पेपर चूज कर रहे हैं ये उनके लिए वैकेंसीज है। साइंटिस्ट बी की यहां पर वैकेंसीज अवेलेबल है। गाइज, जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे मान लो कुछ बच्चे मैकेनिकल में पेपर दे रहे होंगे, कुछ बच्चे इलेक्ट्रिकल में दे रहे होंगे, कुछ EC में दे रहे होंगे, दो कंप्यूटर साइंस में दे रहे होंगे, कुछ बच्चे सिविल में दे रहे होंगे, तो गाइज काफी सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में पेपर में लिखते हैं, तो उन सबके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट PSUs के रिक्रूटमेंट अनाउंस भी होते रहते हैं। जैसे मान लो कि IOCL आया तो उसमें मे बी मैकेनिकल वाला बच्चा एलिजिबल हो और किसी ब्रांच का एलिजिबल हो, तो हर एक PSUs में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं। हम लोगों को सारे बच्चों को कंसिडर करके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि कुछ बच्चे आप में से मैकेनिकल वाले वीडियो देखते हैं, कुछ सिविल वाले देखते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल वाले देखते हैं, तो आपके जो भी रिलीवेंट होता है आप उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको पता है कि बहुत ही क्विकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो जिसमें भी आप लोग एलिजिबल हो उसमें आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी गेट 25 से और भी बहुत सारे PSUs के अनाउंसमेंट होंगे, तो गेट 25 से अभी अगर आप देखोगे NMDC ने अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दिया है। उसके अलावा गेट से धीरे धीरे कोल इंडिया ने भी अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दिया है। उनके शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, उनको डिटेल में मैंने कवर भी कर दिया है, आप गेट वाला के चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर इनकी कंप्लीट डिटेल भी अवेलेबल है। तो गाइज, ऐसे गेट 25 से और भी अदर जो PSUs है उनके रिक्रूटमेंट अभी अनाउंस होंगे, तो जब भी उनके अनाउंसमेंट होंगे आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन जो है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। बाकी अगर आप गेट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट 25 से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है, आपको लगता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट बनना है जिसमें सारे अपडेट्स आपको मिल जाए और आप गेट 25 की प्रिपरेशन से रिलेटेड डिस्कशन भी कर पाएँ, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे कुलदीप सर _PW और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट आप बनकर वहाँ पर डेफिनेटली आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी गाइज, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप गेट 25 में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आपका पूरा मकसद जो है गेट 25 में बेस्ट स्कोर लाने का होना चाहिए। PSU के ऑप्शंस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे PSU जो अपने रिक्रूटमेंट करें वो शॉर्ट नोटिफिकेशंस अपने रिलीज करे ही करे। अगर आप हमेशा देखोगे अप्रोक्सीमेटली 8-10 PSUs के शॉर्ट नोटिफिकेशंस आ जाते हैं पहले, लेकिन जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो कम से कम 15-20 PSU तक भी आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के हिसाब से। तो हर PSU जो है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करती, बट जो PSU रिलीज कर रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जा रही है। बाकी गाइस, आप लोगों को क्या गेट 25 से रिलेटेड जितने भी PSUs आ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।